हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा निफ्टी बैंक के बारे में। निफ्टी बैंक के साथ साथ जो हम बात करेंगे आज वो कोटक महिंद्रा बैंक की करेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक आज का स्टार परफॉर्मर, 455 पॉइंट का जो कंट्रीब्यूशन है बैंक निफ्टी के अंदर 694 में से, वो केवल और केवल कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से है। इसके अलावा हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में, इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बाइंग सेलिंग के जो डेटाज हैं, कोटक महिंद्रा का एनालिसिस के साथ साथ हम ये भी बात करेंगे आज कौन से गेनर्स थे, क्या रीज़न था उसके पीछे, उसके अलावा ऑप्शन चेन के अंदर क्या लग रहा है अभी, और क्योंकि अब एक्सपायरी से केवल हम 2 दिन दूर हैं, क्या थे गिरने वाले शेयर्स। उसके अलावा कोटक महिंद्रा का थोड़ा सा हम रिजल्ट को ब्रीफली देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है इस चर्चा को शुरू करें, तो पहले आज की कमेंट्री जो है मैं आपको दे देता हूँ। देखिएगा, रात को डाउ जोन्स एक नेगेटिव टेरिटरी के अंदर और डीप टेरिटरी के अंदर करीबन 2.25% से ज़्यादा नेगेटिव टेरिटरी के अंदर बंद हुआ था। तो सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि डाउ जोन्स गया तो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी भी जाएंगे, लेकिन देखिएगा आज तारणहार था कोटक महिंद्रा बैंक, जिसके कल रिजल्ट आए थे। हालांकि मार्केट आवर्स में ही जो है रिजल्ट आ गए थे, कल भी मार्केट में कल भी जो अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर आज सुबह एक नीचे के लो लगाने के बाद कोटक महिंद्रा बैंक ने पूरा का पूरा बैंक निफ्टी को संभाल लिया, जिसकी वजह से जो बाकी सेंटीमेंट्स थे बाकी बैंकों के वो भी इम्प्रूव होते हुए नजर आए। और सबसे खास इंप्रूवमेंट नजर आई बजाज फाइनेंस के अंदर, क्योंकि ऐसा लगा कि बजाज फाइनेंस के जो प्रोविजंस हैं वो भी शायद कम होंगे। अगर कोटक महिंद्रा बैंक के प्रोविजंस कम है, तो अगर कोटक महिंद्रा बैंक को अगर बैड लोन्स नहीं हो रहे हैं, तो जो प्रोविजंस बजाज फाइनेंस ने बनाए हुए हैं, क्योंकि बजाज फाइनेंस ने काफ़ी प्रूडेंस के साथ जो है प्रोविजंस बनाए हुए हैं, तो लोगों का मानना था कि बजाज फाइनेंस में भी अगर वो लॉस नहीं होंगे तो बजाज फाइनेंस का शेयर भी जो ऊपर चलना चाहिए। तो आज बजाज फाइनेंस में भी उसकी वजह से एक अच्छी तेजी थी। नेस्ले के रिजल्ट थे, अच्छे रिजल्ट थे, डिफेंसिव प्ले है और अच्छा डिविडेंड है काफ़ी, तो अच्छा डिविडेंड जो है दिया है, करीबन 1% की डिविडेंड यील्ड बनती है उनसे डिविडेंड के ऊपर। तो इस शेयर्स की जो है आज चलने का जो है मुख्य कारण वास्तव में डिविडेंड प्ले ही था, और रिजल्ट भी अच्छे थे नेस्ले के अंदर। उसके अलावा जो एशियन पेंट्स के अंदर भी अच्छी खरीदारी थी। कमजोरी आज फिर आईटी पैक के अंदर थी, इन्फोसिस, टीसीएस और कुछ हद तक जो है एचडीएफसी लिमिटेड की तरफ से भी जो है नेगेटिव रुझान थे। तो यहाँ पर जो इस वीडियो के दौरान जो हम जो बात करेंगे सारी, वो आज का एनालिसिस तुम करेंगे और कल क्या हो सकता है वो भी हमें देखने वाली जो है बात रहेगी। आज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 3,000 करोड़ से ऊपर की खरीदारी की है, जिसकी वजह से आज आपको पूरा का पूरा जो है मार्केट के अंदर एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिली। और जनरली मार्च के महीने के अंदर एफआईज ने, यानी कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, कोटक महिंद्रा में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर जो है उन्होंने ऑफलोड किया था, तो शायद जो कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर एक अच्छी बाइंग की वजह से भी आज आपको इंडेक्स की मूवमेंट में भी और कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर जो बाइंग की है शायद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, उसकी वजह से भी आपको एक जो अप मूव है वो देखने के लिए मिले। आइएगा अब जो है चर्चा शुरू करते हैं डिटेल के अंदर। तो देखिएगा स्क्रीन पे जैसा आप देख रहे हैं कि निफ्टी 50 आपको नजर आ रहा है, और निफ्टी 50 के अंदर 121 पॉइंट की तेजी थी। और ये जो तेजी थी, आप देखिएगा कि ये जो तेजी बनी, इसमें मुख्य किरदार था कोटक महिंद्रा बैंक, तो आज का हीरो कोटक महिंद्रा बैंक। उसके बाद टीसीएस 19 पॉइंट, बजाज फाइनेंस 18.72, नेस्ले 18.24 और एशियन पेंट्स 10.97। कल मैंने आपको बोला था कि बजाज फाइनेंस के अंदर जिस तरीके से वीकनेस और बैंकिंग के अंदर जिस तरीके से वीकनेस थी कल भी, तो ऐसा माना जा रहा था कि विदाउट बैंक निफ्टी जो है 12,000 के लेवल के ऊपर निफ्टी को सस्टेन करना मुश्किल है। तो आज देखिएगा 12,000 के करीब जो है लाने की कोशिश जो है बुल्स ने की, और बुल्स आज काफ़ी अग्रेसिवली जो है कोटक महिंद्रा के कंधे पर बंदूक लगा के जो है चले हुए थे, और उसके साथ साथ जो है बाकी फाइनेंशियल्स भी चलते हुए नजर आए। और आज की रैली का जो हीरो था वो तो कोटक महिंद्रा बैंक था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज 700 पॉइंट की करीबन जो है तेजी निफ्टी बैंक के अंदर थी। और निफ्टी बैंक में देखिएगा दोनों दिग्गज बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक तो तेज थे ही, साथ में एक्सिस, आईसीआईसी बैंक से भी जो है सपोर्ट मिल रहा था। सपोर्ट नहीं मिल रहा था एसबीआई से, एसबीआई में थोड़ी वीकनेस थी, जहाँ पर कि एसबीआई की वजह से जो है 24 पॉइंट्स की जो है गिरावट जो है बैंक निफ्टी के अंदर थी। बाकी जो छोटे बैंक हैं वहाँ पर भी ज़्यादा कंफर्ट नहीं था, और छोटे बैंकों में आईडीसी फर्स्ट बैंक जो है साथ दे रहा था, जो 31 रुपये के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा था। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने आज 3,000 करोड़ से ऊपर की बाइंग की है, तो उनकी एग्जैक्ट बाइंग है 3,514.89 करोड़ की,
और सेलिंग जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से 1570 की। अब यहाँ पर आज कोटक महिंद्रा बैंक की अगर हम बात करें तो सुबह इस डर से कि डाउ जो है डूब गया तो निफ्टी भी डूब जाएगा, लेकिन देखिएगा आज तारणहार कौन था? कोटक महिंद्रा बैंक, आज का हीरो कोटक महिंद्रा बैंक। निफ्टी को संभाला, बैंक निफ्टी को संभाला और पूरी जो उम्मीदें डाउ जोन से सारे बियर्स ने लगा रखी थी उन सब उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आज बियर्स एक नया गेम खेलने की तैयारी में थे कि बैंक निफ्टी को जो है 24,000 से नीचे क्लोज करा दें और एक उनके हाथ में बाजी आ जाए, लेकिन कोटक महिंद्रा के दम पर आज आप देखिएगा बियर्स को जो है मात दे दी और बुल्स ने, और 1602 रुपये के जो है हाई प्राइजेस भी आज लगाए। और आज जो वॉल्यूम था कोटक महिंद्रा बैंक में, आपको मैं ये भी बता दूं कि जो नॉर्मल वॉल्यूम्स होता है उससे 15 टाइम्स जो है ज़्यादा वॉल्यूम था, 15 गुना वॉल्यूम आज जो है बैंक निफ्टी सॉरी कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर था। तो आप देखिएगा यहाँ पर भी बहुत सारे जो शॉर्ट्स होंगे कोटक महिंद्रा बैंक में वो सारे ट्रैप हो गए और बैंक निफ्टी के भी जो शॉर्ट्स पोजीशंस थी वो ट्रैप हो गई। लेकिन अभी ऐसा है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि बियर्स के हाथ से बाजी जाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बैंकिंग के अंदर अभी भी क्लियरिटी नहीं है। हालांकि कोटक महिंद्रा बैंक ने जो है प्रोविजंस के दम पर ही क्लियरिटी देने की कोशिश की है कि अब देखिएगा बैंकों में सब कुछ सही है, लेकिन बाकी बैंकों के रिजल्ट से ऐसे संकेत नहीं आ रहे। हालांकि कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक की जो प्रोविजंस है वो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि बैंकिंग में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी देखिएगा जो दारोमदार है वो आईसीआईसीआई बैंक एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स पे जो है खासकर रहेगा मार्केट का कि किस तरीके के रिजल्ट्स जो है आते हैं। आप देखिएगा आज जो बढ़ने वाले शेयर्स थे कोटक महिंद्रा बैंक, नेस्ले, एशियन पेंट्स, श्री सीमेंट और बजाज फाइनेंस। तो देखिएगा जैसे मैंने आपको बताया कि बजाज फाइनेंस क्यों तेज हुआ, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक एक असेट्स क्वालिटी के मामले में अच्छा बैंक माना जाता है, उसी तरीके से बजाज फाइनेंस भी जो है एक अच्छी एनबीएफसी मानी जाती है। तो इनको भी लगता है कि बजाज फाइनेंस के अंदर जो बैड लोन्स होंगे वो शायद कम होंगे। और देखिएगा आज बियर्स को जो है पटकनी देनी थी क्योंकि बुल्स के जो एफएनओ एक्सपायरी है जो, क्योंकि आज हो सकता है उन्होंने आधे पोजिशंस अपनी रोल ओवर कर ली होंगी, क्योंकि एफएनओ के अंदर अगर आप देखेंगे तो बड़े प्लेयर्स की जो पोजिशंस हैं ना वो बुल साइड बनी हुई हैं, तो वो बियर साइड में पोजीशंस नहीं जा रही हैं। तो इस वजह से आप देखिएगा वो कहीं ना कहीं से जो है बुल्स बाजी मारते हुए नजर आएंगे, किसी ना किसी स्टॉक के साथ जो है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हुए नजर आएंगे। और बुल्स इस कोशिश में है कि ये जो एक्सपायरी है 12,000 से ऊपर करा दी जाए, जिससे कि जितने भी 12,000 से ऊपर की कॉल्स हैं उनको ट्रैप कर दिया जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा 12,000 की कॉल्स में बहुत बड़ी जो है राइटिंग हो रखी है, तो शायद बियर्स के पास भी जो कोई गेम होगा लास्ट डे के लिए, या हो सकता है कि कल बियर्स आपको अपना गेम खेलते हुए नजर आए। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि जो बुल्स हैं उन्होंने मार्केट आज की डेट में तो ऊपर कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि अगले महीने में यही बियर्स हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर होने पर जो पुट्स हैं वो बहुत सस्ते रेट पर उनको मिल रही होंगी इस समय पर, और यहाँ पर जो शेयर्स हैं उनका जमावड़ा उनके पास हो गया होगा क्योंकि शेयर्स बहुत इकट्ठे हो गए होंगे, लिक्विडिटी उनके हाथ से ख़त्म हो गई होगी, तो वो शायद अभी पुट खरीद रहे होंगे। और अगले महीने शायद जब ये थर्सडे की एक्सपायरी ख़त्म होगी तो ये जो बुल्स हैं यही शायद अपना माल ऑफलोड करते हुए आपको अगले महीने जो है नज़र आए। तो यहाँ ध्यान रखिएगा थर्सडे की एक्सपायरी तक जो है शायद मुझे नहीं लगता कि बुल्स बहुत जल्दी मार्केट जो है छोड़ देंगे, हालांकि अगर बियर्स बड़े एग्रेसिव होगे तो बात अलग है, नहीं तो अभी मार्केट जो है बुल्स के हाथ में है और अगले महीने शायद मुझे लगता है कि बियर्स जो है एग्रेसिव हो जाएंगे और जो बुल्स हैं अभी वही शायद बियर बनेंगे, क्योंकि देखिएगा उनके पास अब कैश शेयर्स इकट्ठे हो गए हैं और कैश उनके पास से जाने लग रहा है, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर ड्राइव कर रहे हैं तो, और अभी उन्होंने कॉल्स ले रखी है तो कॉल्स के प्रीमियम जो है उनको बहुत अच्छे मिल रहे हैं। और अगले महीने जो है अगर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो पुट्स है वो आपको देखिए कि बहुत सस्ते भाव पे मिल रही हैं, तो जैसे ही थर्सडे की एक्सपायरी शुरू होगी तो फ्राइडे से शायद वो अपना जो शेयर्स हैं उनको ऑफलोड करना शुरू कर देंगे मार्केट के अंदर। और ऐसे देखिए कुछ शेयर्स में देखने के लिए मिला, आईटी शेयर्स को जैसे जिस तरीके से उन्होंने चलाया और बाद में उनको ऑफलोड कर दिया, तो अगर आप इसी महीने के हाई लो देखेंगे टीसीएस या इन्फोसिस के तो आपको काफ़ी एक बड़ा गैप जो है मिलेगा, तो हायर प्राइस से काफ़ी अच्छी करेक्शन वहाँ पर भी आई है। तो यहाँ पर आपको चीज़ समझनी है कि किस तरीके से वो किस माइंडसेट के साथ जो है खेलेंगे। देखिएगा बैंक निफ्टी के अंदर 25,200 जो है एक बहुत बड़ा हर्डल जो है आने वाला है, और निफ्टी के अंदर देखिएगा 12,040, 12,044 से लेके 12,200, 100, ये सारी जो रेंज है अगली 200, 250, 300 पॉइंट की, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ऐसा नहीं है कि बुल्स के लिए बहुत ईजी है कि ये बाजी जो है मार ली है, तो मुझे लगता है कि जो अगले महीने हैं क्योंकि इवेंट भी बेस्ड है तो शायद जो है बुल्स कुछ 10-15 दिन के लिए जो है थर्सडे के बाद जो है छुट्टी पे शायद जाएंगे और फिर वही शायद बियर्स बनते हुए नजर आए।
तो मुझे इस महीने तो थर्सडे तक एक्सपायरी मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रोंग हैंड्स के अंदर है और स्ट्रोंग होल्ड है मार्केट के अंदर, जो कि डाउ जोन्स को भी जो है नज़र अंदाज करता हुआ जो है बाजार दिख रहा है, और वो सीधा सीधा बीयर्स के को जो है अब यहाँ पे हमें लगता है कि ट्रैप हो गए। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट वोलेटाइल होगा, अगले जो 2 दिन हैं ये बहुत ही वोलेटाइल होने के चांसेस हैं। आप देखिएगा नीचे के प्राइस भी ऊपर के प्राइस के बीच में कल और परसों बहुत बड़े गैप हो सकते हैं। आप देखिएगा मार्केट ऊपर से बहुत अच्छे से नीचे करेक्ट कर सकती है, बहुत नीचे से अच्छी रिकवरी ऊपर की तरफ आ सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कल के जो दिन है और जो थर्सडे का दिन है, यहाँ पर बुल्स एंड बियर्स में बहुत तगड़े वाली लड़ाई होने वाली है। लेकिन अभी तक अगर हम देखेंगे पूरे महीने की अगर पोजीशंस को देखें, तो अभी तक जो है पलड़ा बुल्स का भारी है, और देखिएगा 10,800 से 11,900 पर जो है निफ्टी अभी खड़ी हुई है। तो आप ये समझ भी सकते हैं कि 1,100 पॉइंट की रैली करने के लिए आपको पूरे कितना पैसा आपको चाहिए, यानी कि जो हमारी पूरी मार्केट की मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका 11% करीबन करीबन पैसा जो है बुल्स ने लगा रखा है अपना। तो बुल्स बहुत जल्दी से बाजी जो है छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, और बियर्स ने जो है काफ़ी बड़ा माल जो है बेचा भी हुआ है। तो हो सकता है कि बियर्स ने भी देखिएगा, क्योंकि आप 12,000 के ऊपर अगर आप पुट देखेंगे अगर आप यहाँ पे, तो 12,000 के ऊपर जो है पुट की जो राइटिंग है वो जबरदस्त राइटिंग हो रखी है। तो अगर यहाँ पे 12,000 पे देखेंगे तो 44,000 जो पुट्स है वो राइट हो रखी है। लेकिन यहाँ पे खास बात जो आप देखेंगे, प्रीमियम कुछ नहीं है, प्रीमियम बहुत कम है। और ये जो प्रीमियम कम होने की वजह से, क्योंकि अगर आप यहाँ 12,000 की कॉल में देखेंगे तो 27 रुपये का प्रीमियम है, लेकिन इतनी बड़ी कॉल राइटिंग, अगर आप वहीं पे 100 पॉइंट नीचे जाएं पुट के लिए, तो पुट पे आप देखिएगा 45 रुपये का प्रीमियम है, यानी कि 1.7, यानी कि आप अगर यहाँ से देखें तो 11,900 पे खड़े हो, अगर वहाँ से 100 पॉइंट नीचे जाओ और 100 पॉइंट ऊपर आओ, तो रेजिस्टेंस के ऊपर लोग सस्ते में भी माल बेचने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर इनको देख के ऐसा लगता है कि जो बीयर्स हैं वो भी जो है 12,000 रुपये के आसपास जैसे ही निफ्टी आएगा तो एक बड़ा गेम खेलेंगे, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी बनी रहेगी। आज जैसे मैंने आपको बोला TCS में भी बंदी थी, इन्फोसिस में बंदी थी, विप्रो में भी बंदी थी, और आपको एक और ट्रेड में बताता हूँ, लेकिन मैं ध्यान रखिएगा ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। देखिए एक बजाज फिनसर्व की सब्सिडरी कंपनी है बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस 5% ऊपर चला। बजाज फिनसर्व में इंश्योरेंस बिजनेस भी और बाकी बिजनेसेस भी हैं, और ये आज बंदा था। तो कंपेरेटिवली आप देखेंगे तो बजाज फिनसर्व ने अंडर परफॉर्म किया है और बजाज फाइनेंस ने आउट परफॉर्म किया है। तो जो लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं वो इस समय पर कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी जो बनाते हैं कि बजाज फाइनेंस को तो वो शॉर्ट करते हैं और बजाज फिनसर्व को खरीद लेते हैं, तो वास्तव में एक तरीके से एक हेजिंग बनती है। तो बजाज फिनसर्व को बाय करना और बजाज फाइनेंस को सेल करना, और बजाज फाइनेंस में एक और सबसे खास बात है कि उसमें वोलेटिलिटी बजाज फिनसर्व से ज़्यादा होती है। लेकिन मैं ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ, आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा, क्योंकि जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जो ट्रेड्स हैं वो काफ़ी जो है रिस्की हो सकते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर अर्निंग्स के अंदर, तो देखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अगर आप अर्निंग्स की बात देखें, तो अगर आप सितंबर से भी देखें या जून से भी देखें पिछले, तो सितंबर और जून से जो टोटल रेवेन्यू है, जो इंटरेस्ट अर्नड है, उसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। जो ग्रोथ है वो करीबन 200 से 300 करोड़ की है टोटल इनकम के अंदर। एक्सपेंडिचर्स में क्या है कि इन्होंने सेविंग की, अगर सितंबर 19 से करें, हालांकि देखिए सितंबर 19 से जो है मैं कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि बैंकिंग बिजनेस है तो जनरली पिछले क्वार्टर से करेंगे, तो पिछले क्वार्टर से अगर आप देखेंगे तो 5,000 करोड़ के आसपास के खर्चे के बराबर हैं। प्रॉफिट देखिएगा पिछले क्वार्टर में 2,623 करोड़ था, जो इस बार 3,297। ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं ये सभी बैंकों के जो हैं बढ़ रहे हैं और हाईएस्ट दे रहे हैं, यानी कि मोस्टली अगर किसी बैंक, लेकिन जो प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ रहा है वो प्रोविजंस का पड़ रहा है। मोस्टली कुछ बैंकों ने प्रोविजंस जो हैं कम प्रोवाइड किए, यानी कि उनकी असेट्स क्वालिटी अच्छी है बैंकों का ऐसा लगता होगा, तो यहाँ पे जो प्रोविजंस हैं वो कम है। जो पिछले क्वार्टर में 962 के प्रोविजंस थे वो 368 के, एक तो यहाँ से जो है मेजर इम्पैक्ट आया। दूसरा 400 करोड़ का जो इम्पैक्ट आया है वो आया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से, यानी कि जो इंटरेस्ट इनकम कमाई है बैंक ने वहाँ से जो पड़ा है, और उसके बाद प्रोविजंस कम लगे हैं। और प्रोविजंस के सामने लेकिन अगर आप बात करें तो प्रॉफिट के सामने टैक्स काफ़ी बड़ा है, तो टैक्स जो पिछले क्वार्टर में 417 करोड़ का, तो 744 करोड़ का है। उसके बाद जो प्रॉफिट है वो 2,184 का है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो EPS है वो पिछले क्वार्टर में 6 रुपये पर चली गई थी, यानी कि खराब रिजल्ट थे, और वहीं पर आप देखिएगा ये पिछले 6 रुपये की EPS के सामने अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो आपने करीबन करीबन 90% का जंप लिया है। तो ये जो चीज़ है मार्केट को पसंद आई, और जो मार्केट को ये जो चीज़ पसंद आई, क्योंकि पिछले क्वार्टर के अंदर जो बैंक के प्रोविजंस थे, बैंक को लग रहा है कि वो प्रोविजंस की मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। एक्सेलेंट प्रॉफिट कहाँ से आया, देखिएगा जहाँ पे किसी को प्रॉफिट नहीं हो रहा वहाँ पे ये प्रॉफिट दिखा रहे हैं। इनका हाईएस्ट प्रॉफिट आया कॉरपोरेट लोन बुक में,
तो देखिएगा यहाँ पे एक डाउट इसीलिए जो है ज़्यादा बन रहा है कि जो कंपनियों से प्रॉफिट आप कमा रहे हो हाईएस्ट वो 1462 करोड़ है, जो पिछले बार 1267 करोड़ था, पिछले साल 1058 करोड़ था। और जबकि मोस्टली जो बैंकों के अंदर जो होलसेल बैंकिंग है यानी कि कॉरपोरेट लोन बुक है वहाँ पर एनपीए ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा इनके पास एनपीए इनको इन्होंने यहाँ पे हाईएस्ट प्रॉफिट जो है डिलीवर किए। इसके अलावा देखिएगा इन्होंने ज़्यादा फोकस जो है लोन बांटने की बजाय ना इन्वेस्टमेंट करने पर किया है, तो देखिएगा जो ट्रेजरी इनकम है वो डबल हो गई है पिछले साल से, और पिछले क्वार्टर में तो केवल 35 करोड़ थी, उसके सामने आप देखिएगा मल्टीपल टाइम्स है यानी कि 1000 करोड़ से ज़्यादा की ट्रेजरी इनकम्स है। तो काफ़ी पैसा आरबीआई के पास है, इन्वेस्टमेंट के पास है, जो एसएलआर पैसा है तो वहाँ से ग्रोथ है। तो अगर आप ऑपरेशनली देखेंगे तो ज़्यादा इन्होंने कुछ परफॉर्म नहीं किया। देखिएगा कॉरपोरेट के अंदर रेवेन्यू सेम है, रिटेल के अंदर रेवेन्यू में जरा सी ग्रोथ है, ट्रेजरी के अंदर ग्रोथ है यानी कि जो पैसा आपने इन्वेस्टमेंट के रूप में रखा है। तो मेजरली जो पैसा इन्होंने अर्न किया है वो इन्वेस्टमेंट कमा के किया है, और दूसरा जो है प्रोविजन पर इनको सेफ्टी लग रही है क्योंकि इन्होंने लोन नहीं बांटे हैं। आप देखेंगे लोन में इनकी ग्रोथ नहीं है जिस तरीके से आप देखेंगे, तो पिछले साल जो रेवेन्यू थे वो रेवेन्यू भी नहीं है इनके पास कॉरपोरेट लोन के बुक के अंदर, लेकिन कॉरपोरेट में प्रॉफिट ज़्यादा दिखाया यानी कि कॉरपोरेट में इन्होंने प्रोविजन जो है कम बनाए हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर भी, ये क्योंकि इनको लगता है कि जो हमने पिछले क्वार्टर में ज़्यादा बना ली थी उसकी वजह से हमें इस बार प्रोविजन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिएगा पूरा प्रोविजन्स आपको, पिछले साल देखिएगा 724 करोड़ का प्रोविजन था 6 महीने के अंदर, अब क्या 1330 है, तो ये कह रहे हैं हमने पहले ही ज़्यादा बना लिया देखिएगा इस बार टोटलिटी के अंदर। तो इन्होंने जो पिछले क्वार्टर में बनाया था 962 करोड़ का वो इनको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा था हमारा, और उससे पिछले साल देखिएगा 407 करोड़ का, तो अब आप देखिएगा प्री कोविड में 407 करोड़ का था जो अब अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 368 करोड़ से। तो देखिएगा जो भी कुछ होगा वो इसके ऊपर है, प्रोविजंस पे दारोमदार है। अगर प्रोविजंस आगे चल के बढ़ते हैं तो बैंक के ऊपर अभी भी ओवरहैंग रहेगा, लेकिन अगर लगता है कि बैंक ने जो बनाए हैं इतने ही प्रोविजंस होंगे तो फिर तो देखिएगा बहुत ही एक्सेलेंट रिजल्ट आप इनको मानेंगे। ये भी परफॉर्मेंस है देखिएगा, इनके पास 9559 करोड़, ये वो टोटल लोन बुक नहीं है, ये जो 6 महीने के दौरान जो पैसा लेना था वो अमाउंट है, ये इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो 6 महीने के दौरान था उसमें सिर्फ केवल 775 करोड़ रुपए जो है इनका रह गया, तो काफ़ी यानी कि इन्होंने मॉरेटोरियम में रिकवरी की है। उसके बाद देखिएगा इनकी जो ग्रोस एनपीए 2.55 है अभी सेप्टेम्बर में, लेकिन अगर ये कहते हैं कि अगर मोरेटोरियम वाली चीज़ें चीज़ जो है अगर हम जोड़ लें तो 2.7 हो जाती है हमारी, और जो नेट एनपीए 0.7 है वो 0.74 हो जाएगी। तो अगर इन पैरामीटर्स को अगर हम देखें तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट है कोटक महिंद्रा के, जिसका रिवार्ड इनको मिला है। लेकिन देखिएगा फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बैंकों के ऊपर जो भी क्लियरिटी है वो शायद अभी अगले 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद ही पता चलेगा। हालांकि मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को लगता है कि रिकवरी अच्छी हो रही है तो बैड लोन से हैं शायद नहीं होंगे, लेकिन अगर हम अपने एंगल से देखें जिन लोगों से वार्तालाप करते हैं या जिन लोगों से हमारे बिजनेस कॉन्टेक्ट्स हैं वहाँ पर अभी भी हमें जो है सीरियसनेस लगती है कि बहुत जगह जो है रिकवरी नहीं है, या बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे जॉब्स की प्रॉब्लम अभी भी हैं और लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। लेकिन देखिएगा अगर बैंकों को लगता है कि हाँ रिकवरी आ रही है और इस तरीके की प्रोविजंस नहीं है ज़रूरत, तो शायद जो है इकोनॉमी जो है बहुत जल्दी जो है ट्रैक पर आती हुई लगेगी। और यहाँ पर मैंने आपके साथ जो भी बात की ये आपको कैसी लगी जरूर से ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए, अच्छी लगे तो देखिएगा, शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।